आगजनी घटना जो है 25 रात जो होली दहन करते हैं उसी रात में मतलब ये हमारी जो धरना स्थल को जला दिया गया है। पीला पानी निकलते तो पीतन खाते तो बहुत हमला दस्त उल्टी ऐसे वगैरह बहुत बीमारी का कायत होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी चौधरी एक बार फिर हाजिर हूं आदिवासी भारत से सप्ताह भर की जरूरी खबरें लेकर। इस शनिवार के बुलेटिन की खास खबरों में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे की जिसे चुनावी चर्चा में देश की नेशनल मीडिया लगभग भूल चुकी है। इसके बाद दुर्गम अबूझमाड़ के एक गाँव में पानी के नाम पर जहर पीने को मजबूर लोगों की खबर होगी। फिर बात होगी एक आदिवासी राजा के घर जन्मे बच्चे पर दुनिया क्यों खुश है, और आखिर में आंध्र प्रदेश की कोया जनजाति की संस्कृति और परंपरा का अभिन्न अंग माना जाने वाली महुआ शराब के बहाने पुलिस प्रताड़ना की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पारसा ईस्ट के तेबासन खदान के दूसरे चरण के लिए पेड़ों की कटाई को मंजूरी दे दी है। हसदेव अरण्य के सरगुजा इलाकों में PEKB खदान को दो चरणों में मंजूरी दी गई थी, जिसके पहले चरण की खुदाई को पूरा करने का टारगेट 2028 का था, लेकिन पहले चरण का सारा कोयला 2022 में ही खोदकर निकाला जा चुका है। राजधानी रायपुर में स्वीकृति मिलने के बाद अब दूसरे चरण के खनन के लिए भी रास्ता साफ हो गया है। छत्तीसगढ़ से मिल रही खबर के अनुसार वन विभाग ने भी स्थानीय स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है और पूरी कोशिश की जा रही है कि पेड़ों की कटाई बिना किसी बाधा के 7 जून से शुरू की जा सके। इसके लिए पहले की तरह ही भारी मात्रा में सुरक्षा बलों की तैनाती की आशंकाएं जताई जा रही हैं। दूसरी तरफ हसदेव बचाओ आंदोलन से जुड़े लोगों को आशंका है कि उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। इससे पहले आंदोलन के लोगों ने यह आरोप भी लगाया था कि हसदेव बचाओ आंदोलन का धरना स्थल जला दिया गया था। मार्च अप्रैल के महीने में जब आदिवासी जंगल में महुआ बीनने जाते हैं और होली का त्यौहार मनाया जाता है, उस दौरान मौके का फायदा उठाकर आंदोलन स्थल पर बनाया गया झोपड़ा जला दिया गया था। आगजनी घटना जो है 25 रात जो होली दहन करते हैं उसी रात में मतलब ये हमारी जो धरना स्थल को जला दिया गया है। इसमें मैं ये कहूँगा कि शासन प्रशासन और कंपनी हमारी जो आंदोलन को कुचलने के लिए ये साजिश करके इस धरना स्थल को जलाया गया है, क्योंकि आज हमारा जो आंदोलन एक बहुत बड़ा विकराल रूप ले रहा है, क्योंकि मतलब इस क्षेत्र में जितने भी निवासरत लोग हैं, जीव जंतु हैं, उसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार और कंपनी मिल के कि यहाँ की संपत्ति को हम निकाल सकें करके जो आंदोलनकारी साथियों को कुचलने के लिए इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए हमारी धरना स्थल को कंपनी और प्रशासन मिल के षड्यंत्र करके जलवाई गई है। यहाँ जो जंगल और जल जंगल जमीन गांव को बचाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और सरकार और कंपनी मिल करके हमको फंसाने का, हमको उकसाने का, जैसे अभी आचार संहिता लगा है, 144 धारा इन्होंने लगा रखे हैं अभी, तो यहाँ के लोगों को मतलब उग्र कराने के लिए इन्होंने साजिश रच करके वो सोचे थे कि यहाँ के लोग उग्र होंगे, लड़ाई होगा, तो हम लोग जो भी यहाँ के कार्यकर्ता हैं जो लड़ाई को आगे ले जा रहे हैं और लड़ रहे हैं, वो जो नेतृत्व करता है उनको फंसा करके हम लोग जेल में डालेंगे और अपना काम निकालने का, ये पूर्ण रूप से इनका पूरा मतलब एक बनाए हुए कंपनी और सरकार की साजिश थी। जी देखिए, यहाँ पे परसा ईस्ट केते वासन जो माइंस जो चला, जिसे 2011-12 में चालू हुआ, वहाँ पे पेड़ लगभग 8 से 10 लाख पेड़ काटी गई हैं। तो हमारे जितने भी आंदोलनकारी जो साथी हैं, मुख्य साथी, उसको शासन प्रशासन और कंपनी मिलके षड्यंत्र करके मतलब उनको रातों रात गिरफ्तार करके जेलों में डाल देती है, बैठा देती है। जब तक उनकी जो काम पेड़ों की कटाई समाप्त नहीं हो जाती है, तब तक वो हमारे जो गांव के जो मुख्य साथियों को नहीं छोड़ा जाता है। इस टाइप का सरकार और कंपनी मिलके काम कर रही है।
हालांकि आंदोलनकारियों ने धरना स्थल पर फिर से झोपड़ा तैयार कर लिया है। हसदेव अरण्य को बचाने के लिए संघर्ष करने वाले लोगों का दावा है कि प्रशासन ने कोयला खनन से जुड़ी कंपनियों के इशारे पर फर्जी ग्राम सभा में मंजूरी के कागज तैयार करवाए हैं। हसदेव अरण्य में पारसा कोयला खदान में खनन से जुड़ी एक और खबर मिली है। इस खबर के अनुसार छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग ने फिलहाल कोयला खनन पर पाबंदी लगा दी है। आयोग ने यह रोक लगाई है क्योंकि उसे शिकायत मिली है कि साल ही हरिहरपुर फतेहपुर के अलावा सूरजपुर जिले के तारा चारपारा जनार्दनपुर गांवों में पारसा कोल ब्लॉक के लिए फर्जी ग्राम सभा में पर्यावरण संबंधी मंजूरी हासिल की गई थी। और अब छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के आदिवासियों से जुड़ी एक जरूरी खबर। सरकार जहां नल जल योजना के तहत घर घर तक पीने का पानी पहुंचाने का दावा करती है, वहीं छत्तीसगढ़ के जिला मुख्यालय कांकेर में बसा एक ऐसा गांव है जहां के आदिवासी पानी के नाम पर जहर पी रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गांव मौलीपारा की, जो ग्राम पंचायत भैंस गांव के अंतर्गत आता है। यहां लगभग 11 घर हैं, जिसमें कुल 85 आदिवासी रहते हैं। इन आदिवासियों की सबसे बड़ी समस्या पानी की है। यहां पीने के लिए साफ पानी नहीं है। प्रशासन ने इन लोगों के लिए बोर खनन करवाया है, लेकिन इस हैंडपंप से लौहयुक्त पानी आता है, जिसे पिया नहीं जा सकता। अन्य कामों के लिए भी इस्तेमाल करें तो इस हैंडपंप से केवल 6 से 7 बाल्टी ही पानी ठीक से मिलता है। सरकार नल जल योजना लाकर लोगों के घरों तक पीने का साफ पानी पहुंचा रही है, ताकि पानी के लिए उन्हें भटकना ना पड़े, लेकिन धरातल में यह योजना अब तक नहीं दिखाई दे रही, जिसका उदाहरण यह गाँव है। यहाँ के ग्रामीण पानी के लिए आज भी जद्दोजहद कर रहे हैं। इन्हें पहाड़ी और जंगली रास्तों से होकर 1.5 से 2 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, तब जाकर इन्हें पानी नसीब होता है, और ये पानी भी पीने लायक नहीं होता। गौरतलब है कि ग्रामीण पानी लेने के लिए अकेले नहीं जाते, 3 से 4 या उससे अधिक संख्या में जाते हैं। यहाँ जंगली जानवरों के हमले का भी खतरा रहता है, इसलिए यह अपने साथ कुछ धारदार हथियार भी लेकर जाते हैं। इतनी मुश्किल भरे रास्ते को पार करने के बाद भी इन्हें पहाड़ी नालों से रिस रहा पानी ही मिल पाता है, जिसके आसपास इतनी गंदगी रहती है कि इससे लोग बीमार भी हो रहे हैं, लेकिन गले की प्यास के कारण ये पानी पीना उनकी मजबूरी है। सवाल खड़े होते हैं कि जब ग्राम पंचायत मुख्यालय में पीने के लिए सोलर सिस्टम से साफ पानी मिल रहा है, तो इन आदिवासी ग्रामीणों को योजना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा? क्या ये ग्रामीण इसी तरह यह गंदा पानी पीकर अपनी सेहत खराब करते रहेंगे? प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लगातार मांग करने के बाद भी ग्रामीणों की समस्या को हल करना तो दूर, मामले का संज्ञान लेने भी कोई नहीं पहुंचा। ज्यादा से ज्यादा रोड के परेशान और पानी के परेशान, बहुत पानी के परेशान। तो बतेर गिरे में ना हमला पानी के बहुत तकलीफ होते। अभी तो झरिया पानी गला पी सकता हूँ, तो अभी पी सकता हूँ, तो बतेर गिरे में वहाँ कहाँ पी सकते। तो ये दे हाइट पंप हवे तो वहाँ के पानी ला कैसे कैसे तो करके पी जाते हूँ। चकला पीथन तो यहाँ चकला ना पूरा गंदा हवे, पीला पानी निकलते तो पीथन खाते हैं, तो बहुत हमला दस्त उल्टी ऐसे वगैरह बहुत बीमारी का गायत होते हैं। तो दस्त के कारण में कोई जो हमारे पास दवाई है तो हम दवाई के कोई कोई ना उपयोग कर देते हैं, तो ज्यादा होते तो हम हॉस्पिटल ले। तो गंदा पानी निकालते ना वहाँ होते नाला में, वहाँ एकदम पानी भर जाते, तो वहाँ कहाँ पीते बोला। हाँ वहाँ ले आते होने यही नल के पानी लपीत हो। छत्तीसगढ़ में बस्तर के जंगल में बसे आदिवासी गांवों में पीने के पानी की विकट समस्या के साथ साथ जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं। यहां के कांकेर जिले की ताड़बेली ग्राम पंचायत के टेका मेटा गांव में मंगवेड़ा पारा में 2 महीने पहले नल लगा दिए गए हैं, लेकिन अभी तक इनमें से किसी नल में पानी नहीं आया है। इस गाँव के अलावा कई और आदिवासी गाँवों के लोगों ने हमें बताया कि जल जीवन मिशन के तहत पैसा तो खर्च हो रहा है, लेकिन आदिवासियों को स्वच्छ पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा। टेकमेटा के अलावा मरोड़ा ग्राम पंचायत में भी लोगों ने ऐसी शिकायतें की हैं। अभी तक एक दिन में 1 घंटा भी 1 मिनट भी आदमी मतलब यहाँ के जनता को पानी नहीं मिल रहा है, और ये
ठेकेदार और पीएचई विभाग को मैं बार बार फोन के माध्यम से आवेदन के माध्यम से देते गया, लेकिन मेरे कार्यकाल भी खत्म होने वाला है, 6-7 महीना बाकी है चुनाव, पंचायत चुनाव को, लेकिन यहाँ पे मेरे जनता यहाँ पे इतने त्रस्त है जो बंद के तैयार हुआ है, लेकिन आज तक उनको पानी नहीं मिल रहा है। अंडमान की ओंग जनजाति के राजा टोटो को और रानी प्रिया ने सोमवार को पोर्ट ब्लेयर में जीबी पंत अस्पताल में एक बच्चे का स्वागत किया। इससे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की ओंग जनजाति की आबादी बढ़कर 136 हो गई। केवल बच्चे के माता पिता ही नहीं, पूरा ओंग समुदाय खुशी में डूबा है। आदिवासी कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि टोटोको की यह 8वीं संतान है। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस खबर पर खुशी व्यक्त की और टोटो को और उनकी पत्नी प्रिया को बधाई दी। साथ ही प्रशासन को मां और बच्चे की अच्छी देखभाल करने का भी निर्देश दिया। ओंग समुदाय देश की उन जनजातीय समूहों में शामिल है जिनको लुप्त प्राय माना जाता है। एक समय में अंडमान निकोबार के लिटिल अंडमान पर ओंग जनजाति का ही राज था, लेकिन अब वे दो सेटलमेंट डुगोंग क्रीक और साउथ बे में ही बसे हैं। देखिए, तमाम दुनिया में ये पाया गया है कि जहाँ पर भी प्रिमिटिव ट्राइब्स को लोग ऐसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश किए, इसका नतीजा अच्छा नहीं निकला। देर आर मैनी मैनी ट्राइब्स इन अमेजन जो कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो गए हैं। कोई जर्म्स ऑफ सम डिजीजेस अगेंस्ट विच दे हैव नो इम्यूनिटी, जो यहाँ भी देखा हुआ है मेजल्स के एपिडेमिक में बहुत सारे लोग कवर, इससे भी आपका ब्रिटिश पीरियड में अंडमानीज इसके बीच में सिफिलिस, मेजल्स, मम्प्स, इसमें बहुत सारा लोग मरे थे। ओंगीज शुड बी वन ऑफ आवर बीकॉन्स, जिससे हमें सीखना चाहिए था कि जारवा के साथ क्या नहीं करना चाहिए। वी हैव टू रिमेंबर दैट ओंगीज वर बीफ्रेंडेड बिफोर द जारवास। क्या रिजल्ट हुआ? जो चार बड़े ग्रुप थे आइलैंड के चारों कोने में रहते थे, जिनका आपस का मैरिज का भी कस्टम था अक्रॉस दीज, कभी विद इन द ट्राइब नहीं, आज ये चार ट्राइब है ही नहीं, एक ग्रुप है। बहुत मुश्किल से दो ग्रुप उनको किया गया। ओंग जनजाति ने लंबे समय तक अपनी ताकत और आक्रामकता के दम पर बाहरी संपर्क से खुद को बचाकर रखा। बाद में जब भारत सरकार ने शरणार्थियों को अंडमान द्वीप समूह में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया, तो गैर ओंग आबादी ने यहां बसना शुरू किया। ये गैर ओंग आबादी बीमारियां लेकर आई और द्वीपों के पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ दिया। परिणाम स्वरूप ओंग की जनसंख्या घटती गई। अंडमान के ग्रेट अंडमानी, जारवा और ओंग जनजाति की घटती जनसंख्या भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में चर्चा का विषय रहा है। जाहिर है, ऐसे में ओंग जनजाति में एक बच्चे का जन्म दुनिया भर को राहत देने वाली खबर जरूर है। और अब आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन से जुड़ी महुआ और पुलिस दमन की कहानी। शराब बनाने के काम आने वाला महुआ का फूल भारत के आदिवासी समुदायों की जीविका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा महुआ आदिवासियों के सांस्कृतिक जीवन और उनकी धार्मिक आस्थाओं से बहुत करीब से जुड़ा है। ऐसे में आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा एक नई पुलिस शाखा स्पेशल इन्फोर्समेंट ब्यूरो का निर्माण आदिवासियों के लिए सिरदर्द बन गया है, क्योंकि स्पेशल इन्फोर्समेंट ब्यूरो का गठन गैर कानूनी तरीके से शराब उत्पादन को रोकने के लिए किया गया है। इस पुलिस शाखा ने हाल ही में कई घरों में छापेमारी की है। छापे के दौरान पुलिस ने कई घरों में महुआ बोतल और महुआ के फूल जब्त किए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक 100 छापे मारे जा चुके हैं। पुलिस की इस कार्रवाई का परिणाम ये हुआ है कि अब आदिवासी जंगल में महुआ बीनने नहीं जाना चाहते हैं। आदिवासी अगर महुआ बीनना बंद कर दें तो यह सिर्फ उनके सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष को ही प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि इससे उनका आर्थिक नुकसान भी होगा, क्योंकि वन उपज आदिवासियों की आय का एक बड़ा साधन है। ऐसा माना जाता है कि कई राज्यों में आदिवासियों की आय का करीब 60% महुआ बेचकर ही आता है।
मार्च के अंत और अप्रैल महीने की शुरुआत में महुआ जंगल में झड़ना शुरू होता है और इस महुआ को आदिवासी जमा करता है और स्थानीय साप्ताहिक बाजारों में बेचता है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस यह बात अच्छी तरह समझती है कि महुआ आदिवासियों की परंपरा और अर्थव्यवस्था दोनों से ही जुड़ी है, लेकिन आसपास के शराब ठेकेदारों के दबाव में अक्सर आदिवासियों को महुआ की शराब बनाने से रोका जाता है, क्योंकि आदिवासी इलाकों में महुआ की शराब का उत्पादन बंद होने से उनकी शराब की बिक्री निश्चित ही बढ़ेगी। आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।